Students, our today's topic is pigeon. So let's start. सबसे पहले pigeon बनाने के लिए हम इसके फेस के लिए एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे. देखिए कैसे. ओके, अब हमें क्या करना है, बॉडी के लिए एक ओवल शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे. ओके, अब इसको धीरे धीरे हम यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे. ये देखिए, इसको ज्वाइंट कर लिया है यहाँ से, और यहाँ से इसको हमने ज्वाइंट कर लिया है यहाँ पर इस तरीके से, और इसकी पूरी बॉडी ऐसे धीरे धीरे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे. अब यहाँ से इसको हल्का सा यहाँ तक निकाल के, और ये हम यहाँ पर जॉइन कर लेंगे ऐसे. दिख रहा है बेटा, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए. अब यहाँ पर इसके जो फेदर्स हैं वो ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, इसकी यहाँ पर आई ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल और एक और सर्कल बिक बनाने के लिए. ये देखिए कैसे. इस तरीके से पूरी बॉडी हमारी शेप में आ जाएगी. धीरे धीरे हम इसको शेप देंगे. देखिए, अब हम इसके लेग्स बनाएंगे. इस तरीके से बनाएंगे हम इसके लेग्स, क्योंकि ये बैठा हुआ है. आप अपनी बुक में देखिएगा. यहाँ पर एक प्लांट बना हुआ है.
ये लीव्स बनाएंगे। अब हम इसमें शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा जूम करके आपको पहले फेस में बताऊंगी शेडिंग। ये देखिए ये फेस है। ओके, आपने सर्कल ड्रॉ करा था फेस के लिए, तो अब आपने क्या करना है, हल्का सा ऊपर से रब करना है और इसको यहाँ से फ्लैट देना है, ये चीज इस तरीके से। देखिए ऐसे। ओके, तो अब हमें ये सबसे पहले हमने ये डार्क कर दिया, ये यहाँ पर हमें एक लाइन देनी है और ये हमें डार्क करनी है ये चीज़, तो ये शेडिंग हमने यहाँ दे दी। देखिए सबसे ज़्यादा ना हर चीज़ का बेटा कॉर्नर्स का ध्यान रखिए, वहाँ पर डार्कनेस जाएगी। देखिए इस तरीके से आपने शेडिंग करनी है ध्यान से, ये देखिए। यहाँ से इसको हल्का सा रब करके इसको भी हम यहाँ से फ्लैट लेके जाएंगे। यहाँ पर शेडिंग देंगे, ये हमने यहाँ से ये पूरा इस तरीके से देखे।
बेटा ये लेग्स में आप इस तरीके से शेडिंग करेंगे, देखिए जिस पे बेटा ये पिजन बैठा हुआ है, ये आपका एक कटेड ट्री है, ये देखिए। ओके, तो आपका पिजन शेडिंग आपकी कंप्लीट है। पिजन में इसमें हल्का हल्का हम बस ये और शेडिंग देंगे। देखिए कैसे प्लांट में शेडिंग करेंगे। तरीके से आप प्लांट में करेंगे शेडिंग।
अब इसमें ये भी एक ट्री है, कटेड ट्री आपका ये ऐसे नजर आएगा। बेटा ये पिजन आपका कंप्लीट है, पिजन टॉपिक।